दोस्तों ये है हमारे पास एक ओल्ड सीआरटी टेलीविजन एंड दोस्तों ये है एक डीवीडी प्लेयर। तो आज इन दोनों के कनेक्शन सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इनको आपस में कनेक्ट करना है। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। ओल्ड सीआरटी टेलीविजन और डीवीडी प्लेयर के आपस में कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर एक आरसीए केबल की जरूरत होगी। इस तरह की होती है एक आरसीए केबल जिसके दोनों पोर्ट पे आपको ऑडियो वीडियो की पिंस मिल जाती है। तो इस तरह की एक आरसीए केबल होती है। अगर आपके पास नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। यह है हमारे पास एक ओल्ड सीआरटी टेलीविजन और ये थोड़ा खराब हो चुका है, तो इसको मैं चलाकर तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। ऑलरेडी किसी भी वीडियो में मैंने आपको चलाकर नहीं दिखाया है, जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं इस पे। इसके मैं कनेक्शन आपको सिखा देता हूँ कि किस तरीके से कनेक्शन होंगे और 100% वर्क करेंगे। आप ये मत सोचते हैं कि फेक है, एक्चुअल में बिल्कुल वर्क करेंगे 100%। चाहे तो आप कनेक्ट करके देख लें। आरसी केबल का ये जो तीन पिन है इनको यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक येल्लो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस येल्लो पोर्ट में येल्लो लगा दीजिए, बाइट में बाइट लगा दीजिए और यहाँ पर जो रेड है उस रेड पोर्ट में रेड पिन को यहाँ पर लगा दीजिए। अब दोस्तों ये जो येलो वाला है ये आपका वीडियो का इनपुट है और ये वाला लेफ्ट स्पीकर और ये वाला राइट स्पीकर, यानी बाइट जो है लेफ्ट स्पीकर का है और राइट स्पीकर का ये रेड वाला है। तो ये ऑडियो के सॉकेट हो गए और ये जो हो गया वीडियो का सॉकेट हो गया। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो तीन पिन्स बची हैं इनको चलना है डीवीडी प्लेयर पर लेकर और इनके कनेक्शन करने हैं डीवीडी प्लेयर में। यहाँ पर आपको बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से एक येल्लो वाला आपको यहाँ पर पोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, इस येल्लो वाले को येल्लो में लगा देना है, क्योंकि अब ये जो है वीडियो का था, यानी यहाँ से वीडियो आउट हो रहा है। तो वीडियो आउट हो रहा है तो ये टीवी में जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बगल में आपको एक रेड कलर की दिखाई दे रही है पिन, तो यहाँ पर आपको लगा देना है और एक वाइट कलर की पिन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें आपको यहाँ पर लगा देना है। तो दोस्तों ये कनेक्शन हो जाएंगे आपके, वीडियो तो आपका आसानी से आ जाएगा। बट कई डीवीडी प्लेयर में दोस्तों पिन थोड़ी चेंज होती हैं, तो अगर आपका ऑडियो ना आए तो आपको सिंपली क्या करना है, सभी पिन पे एक एक बार लगा के इन ऑडियोस की पिन को चेक कर लेना, तो कहीं ना कहीं आपको ऑडियो जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर डीवीडी प्लेयर और ओल्ड सीआरटी टेलीविजन के आपस में कनेक्शन हो चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको भी सप्लाई से लगाना है और इसको भी सप्लाई से लगाना है। इनको ऑन कर दीजिए, इस डीवीडी प्लेयर में कैसेट लगाइए, तो जितना भी ऑडियो और वीडियो होगा वो सब आपके टेलीविजन पे दिखाई देगा। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, आपको जो टेलीविजन है ओल्ड सीआरटी टेलीविजन, इसे आपको ए बी मोड पे डालना है, ऑडियो वीडियो मोड पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको रिमोट में एक ए बी का बटन दे रखा होता है, उस ए बी के बटन से आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपके यहाँ पर भी बटन दे रखा होता है टीवी में, यहाँ पर आप देखिए ए बी लिखा हुआ है, इस ए बी के बटन को अगर आप दबाएंगे तो ए बी सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो सिलेक्ट करने के बाद ही आपकी जितनी भी मूवी है या पिक्चर्स हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।